बाप मैं वापस घर आऊंगा लेकिन मुझे सिर्फ अपनी जिंदगी में से 48 घंटे चाहिए 48 घंटे लेकिन क्यों कबीर क्योंकि 48 घंटे में पिया की शादी हो जाएगी और एक बार वो चली जाएगी फिर मैं वापस आ जाऊंगा तुझे क्या हो गया है कबीर इतना सब कुछ होने के बावजूद तू उस लड़की का नाम ले रहा है हो क्या गया है तुझे बेटा नीता सविता एक मिनट लेकिन भाई ये मैंने कहा ना अब कोई कुछ नहीं बोलेगा अड़तालीस घंटे में तू क्या करना चाहता है वो मैं नहीं जानती पर मुझे तुम पर पूरा भरोसा है ले ले 48 घंटे ले ले बात हमें पर याद रखना कबीर सिर्फ 48 घंटे अगर एक पल भी घर आने में देर हो गई ना तो मेरा भरोसा टूट जाएगा उम्मीद करती हूँ कि तू अपनी बा का भरोसा नहीं तोड़ेगा नहीं बा मैं आपका भरोसा नहीं टूटने दूंगा बेटे अब अगले 48 घंटे के लिए कबीर की जिम्मेदारी तुम्हारी रही मेरे कबीर का ध्यान रखना जी नीता सविता चलो लेकिन बाहर से कैसे घर चलो परेश तुम ठीक तो हो ना हाँ तुम्हें पुलिस स्टेशन क्यों ले गए थे पायल तुम्हें किसने बताया कि मुझे पुलिस स्टेशन लेकर गए थे कल मेरा बर्थडे था परेश और तुम मुंबई आने वाले थे लेकिन जब तुम नहीं आए तो मैंने फोन किया और तुम्हारा फोन किसी पुलिस वाले ने उठाया क्या घबराओ मत मैंने सिर्फ इतना कहा कि मैं तुम्हारी दोस्त बोल रही हूँ लेकिन फिर मुझसे रहा नहीं गया इसलिए मैं बड़ौदा चली आई पायल तुम पागल हो क्या ऐसे बार बार बड़ौदा क्यों चली आती हो छोटी छोटी बातों के लिए परेश कल पूरा दिन तुम्हारा फोन नहीं लगा और जब लगा तो पता चला कि कोई पुलिस मैटर चल रहा है और तुम कह रहे हो कि कोई छोटी सी बात है अच्छा अच्छा ठीक है तुम इस वक्त कहाँ हो मैं वो बस्ती के पास ही हूँ चौथी गली एक सुनसान सी गली है वहीं पर खड़ी हूँ अच्छा ठीक है तुम वहीं रहना ओके मैं अभी आता हूँ मिलने के लिए तुम वहीं रहना अरे हिमेश कहाँ जा रहे बेटा एक एक दोस्त इंतजार कर रहा है मामा तो बस उसे मिलकर आता हूँ अभी ओ,
अच्छा ठीक है। तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए था जानू, मेरा घर यहाँ से बहुत पास में है, अगर पापा ने देख लिया तो यहीं खड़े खड़े हमारा डिवोर्स करा देंगे। परेश तुम पुलिस स्टेशन में थे, ये सुनकर मैं बहुत घबरा गई, इसलिए यहाँ चली आई। भी वो पुलिस वाले तो यूं ही ले गए थे, एक्चुअली हुआ ये कि बस्ती में ना पानी का एक पाइप टूट गया, तो मैंने म्यूनिसिपैलिटी के खिलाफ आवाज उठाई, तो उसी चक्कर में पुलिस वगैरह आ गए, उसके अलावा और कोई मैटर नहीं था। तुम खामखा इतना पैसा खर्चा करके मुंबई से बड़ौदा अप डाउन क्यों कर रही हो? परेश मैं बीवी हूँ तुम्हारी, या फिर यहाँ रहकर तुम ये भी भूल गए? कैसी बातें कर रही हो जानू, सच कहूँ तो मैं दिन रात हर पल बस तुम्हारे ही ख्यालों में खोया रहता हूँ। तुमसे ज्यादा मुझे इस बात की तकलीफ होती है कि मैं अपनी प्यारी सी बीवी के साथ वक्त ही स्पेंड नहीं कर पाता। अच्छा झूठ मत बोल। मैं कभी झूठ नहीं बोलता और मैं ये साबित भी कर लूंगा, बस दो चार दिन का काम बाकी है, उसे निपटा कर आता हूँ, फिर चार पांच दिन के लिए लोनावला चलेंगे, उसके बाद तो कोई शिकायत नहीं रहेगी ना? शिकायत तो हो चुकी है मिस्टर हिमेश जरीवाला। कहाँ जाओगे घूमने अपनी बीवी के साथ? तुम यही सोच रहे होगे ना कि कहानी में ट्विस्ट कैसे आया? तो सुनो, तुम्हारा मोबाइल कुछ वक्त के लिए मेरे पास था, याद है? मैं सोच ही रहा था कि तुम्हारी पोल दुनिया के सामने कैसे खोलूं, तभी तुम्हारा मोबाइल बजा, मैंने उससे बात की और पोल अपने आप खुल गई। तुम इतने कमीने निकलोगे, मैंने सोचा भी नहीं था। तो ये काम था तुम्हें यहाँ पर, एक और लड़की की जिंदगी खराब करना चाहते थे। आज मुझे तुमसे ज्यादा अपने आप पर घिन आ रही है कि मैंने तुम जैसे इंसान को अपना जीवन साथी चुना। तुमने हर कदम पर मुझसे झूठ बोला, अपने माँ बाप के बारे में, अपनी नौकरी के बारे में, तुमने अपना नाम भी झूठा बताया। दोबारा मेरे सामने आए ना तो ऐसा हश्र करूंगी जो तुमने अपने सपने में भी नहीं सोचा होगा। समझे? बॉम्बे में रहती। मैं तुम्हें दिखा के साबित करना चाहता हूं कि हिमेश तुम्हारे लिए ठीक नहीं है।
इसलिए चलो मेरे साथ और अपनी आंखों से देखो हिमेश की सच्चाई। ये सब इसकी चाल है। ये जानता था कि मैं इसके खिलाफ सबूत ढूंढ रहा हूँ, इसीलिए ये पहले से ही बस करो, बहुत हो गया। लेकिन प्लीज कभी मेरी लाइफ की सबसे बड़ी प्रॉब्लम तुम हो कबीर। कबीर छोड़ो इसे, तुम्हें बिल्कुल भी शर्म नहीं आती। नहीं चाहिए मुझे तुम्हारी दोस्ती। पिया, मेरी पहली कमाई। चाहे जो हो जाए, मैं पिया के साथ तेरी शादी नहीं होने दूंगा। कुछ पल की बात है पिया, सारा सच सामने आ जाएगा। और कौन सा सच कबीर? और कितने झूठ बोलोगे तुम मुझसे? घिनाती है मुझे तुमसे कबीर, कि मैंने तुम जैसे इंसान के साथ दोस्ती की। मेरी आंखों में देखो पिया, क्या इनमें तुम्हें फरेब नजर आता है? अगर अब भी तुम्हें लगता है कि मैं झूठ बोल रहा हूं तो बता दो, बस्ती तो क्या दुनिया छोड़ के चला जाऊंगा। ए, मुझे तो खुद नहीं पता था कि कबीर इस हद तक गिर सकता है। खराब करना चाहते थे। मैं तेरे सामने हाथ जोड़ती हूँ पिया, ये शादी मत करो, क्योंकि ये मेरी बेटी की भविष्य का सवाल है। हाँ बेटा, मैं वादा करता हूं कि आज के बाद हिमेश ऐसा कोई काम नहीं करेगा जिससे तेरे दिल को दुख पहुंचे। वैसे तो तू माफी के काबिल है नहीं, लेकिन फिर भी अपनी नाक रगड़ कर पिया से माफी मांग। वादा कर तू उसे जिंदगी भर सुखी रखेगा। मुझे माफ कर दे पिया, बहुत बड़ी भूल हो गई मेरे से। रेखा के लिए मुझे माफ कर दे। अपने पापा की आखिरी ख्वाहिश समझकर उसे माफ कर। और कल कल तेरी शादी नहीं हुई तो सोच पिया, तो गीता बहन को कितनी तकलीफ होगी। इसलिए पिया, हम सबकी इसी में भलाई है, ये शादी हो जाने दे, हो जाने दे बेटा। एक बात का ध्यान रखना, हिमेश और उसके परिवार से जो रिश्ता जुड़ा है तेरे पापा की जुबान है, और हमारी जुबान ही हमारी इज्जत है।
मैं तुमसे प्यार करता हूँ, लेकिन जरा अपने दिल और दिमाग से पूछो कि क्या मैं इतना गिर सकता हूँ कि तुमसे इतना बड़ा झूठ बोलूंगा? I'm sorry, Himesh. सर बहुत नाइंसाफी की कभी, मैं तुम्हें कभी समझ नहीं पाई। तुमने हमेशा अपनी दोस्ती निभाई और मैंने मैंने हमेशा तुम्हें अपना दुश्मन समझा। कभी चुपके में सिद्ध ले जाओ, दोस्ती में सब चलता है। दोस्ती में एनीथिंग। कबीर, मैं जानती हूँ कि तुम मुझसे बहुत प्यार करते हो और इतने दिनों में मुझे भी एहसास हो गया है कि मैं भी तुमसे बहुत प्यार करती हूँ कबीर। लेकिन लेकिन क्या पिया? कबीर, कबीर हम दोनों के बीच में जो दायरे पहले थे वो आज भी, और मैं नहीं चाहती कि हम उस दायरे से बाहर आ। फिर मैं भी तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, लेकिन हम दोनों कभी एक नहीं हो सकते, और यही सच्चाई। लेकिन पिया, ऐसे क्यों कह रही हो? नहीं कबीर, मैं जानती हूँ कि तुम उन दायरों को तोड़ना चाहते हो, लेकिन मैं ऐसा नहीं कर सकती। कि अगर हम दोनों एक हो गए ना तो बहुत लोगों के दिल टूट जाएंगे, और मैं अपने रिश्ते की बुनियाद हमारे अपनों के दिलों को तोड़कर नहीं बनाना चाहती। कबीर, मैं चाहती हूं कि तुम्हें बहुत तकलीफ हो रही है, और जितनी तकलीफ तुम्हें हो रही है ना उतनी ही तकलीफ मुझे भी हो रही है। लेकिन कभी कभी कुछ फैसले हमारे स्वार्थ को छोड़कर हमारे अपनों के लिए किए जाते हैं, और मैं वही करने जा रही हूं कबीर। आज से मैं खुश होने की कोशिश करूंगी, और मैं तुमसे भी ये बात आ चाहती हूं, तुम भी ऐसा ही करोगे कबीर। और मैं तुमसे वादा चाहती हूँ कबीर
कि तुम भी खुश रहोगे। करोगे ना तुम लिए इतना? तुम्हारे लिए कुछ भी करने को तैयार हूं भैया, एनीथिंग। तुम्हारी सारी शर्तें मुझे मंजूर हैं, लेकिन सिर्फ मुझसे ये मत मांगना कि मैं तुम्हें प्यार करना छोड़ दूं, क्योंकि वो मैं नहीं कर पाऊंगा। तुम मुझे खुश देखना चाहती हो ना? अच्छा, नो आंसू, नो रोना धोना, और ये तुम पे भी लागू होता है भैया। माही